नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट विजय चौक से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। और बात यहां से उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, क्योंकि सबसे बड़ा सियासी मैच अब उत्तर प्रदेश में ही खेला जाना है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की टीम है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की टीम है। लेकिन अभी सबसे रोचक बात यह है कि कई खिलाड़ियों के बारे में पता ही नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ की टीम से खेलेंगे या फिर अखिलेश यादव की टीम से। ताजा जानकारी बस इतनी है कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने योगी आदित्यनाथ की टीम को छोड़कर वो चले गए हैं अखिलेश यादव की टीम में। ये मैच किसके लिए टफ, किसके लिए आसान, यही बताएंगे आज आपको स्पेशल रिपोर्ट में। टीम योगी बनाम टीम अखिलेश में जंग शुरू। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटेजी नहीं समझ पाए वो। अखिलेश के दाव से बीजेपी को बड़ा झटका। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति, भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। क्या है यूपी में बीजेपी का काउंटर प्लान? आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है, और यही सबका साथ सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। 85% बनाम 15% का क्या है सियासी खेल? 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। यूपी में दलित किसका लगाएगा बेड़ा पार? दलित के घर योगी की खिचड़ी का मतलब? मैं मकर संक्रांति के अवसर पर अपने इस अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता श्री अमृतलाल भारती और उनके सभी परिवारजनों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे एक खिचड़ी सह भोज पर अपने घर में आमंत्रित किया। चेहरों का दम, कौन जीतेगा 2022 की जंग? चुनावी दंगल वाली सियासी खिचड़ी। इस्तीफा देना कोई बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। उत्तर प्रदेश राजनीति में ऐसे होते हैं जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहते हैं, तो उनको कौन रोक सकता है लोकतंत्र। आज तो उत्तर प्रदेश से दो बड़ी तस्वीरें आई। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर में एक दलित परिवार के साथ खिचड़ी खाते हुए दिखे मकर संक्रांति पर, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का दामन थामते हुए बीजेपी के कई पिछड़े नेता दिखे एक बड़े से मंच पर। आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दो तस्वीरों के क्या मायने हैं, आइए आपको समझाते हैं। ये दो तस्वीरें तेजी से बदल रही उत्तर प्रदेश की चुनावी सियासत की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ बीजेपी पर पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा के आरोप लगे, तो दूसरी ओर सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर दलित के घर खिचड़ी खाई। मकर संक्रांति पर गोरखपुर में अमृतलाल भारती के घर पर मुख्यमंत्री ने जमीन पर बैठकर भोजन किया और सामाजिक न्याय का दावा करने वाले विरोधियों पर निशाना साध लिया। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है, और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में, कि जो लोग गरीबों का हक छीनते थे, डकैती डालते थे, पेशेवर अपराधियों को अपना सागर्द बनाते थे। चुनाव है लिहाजा समाज के हर तबके को लुभाने का दांव है, लेकिन बीजेपी की चुनौतियां बढ़ रही हैं क्योंकि गैर यादव ओबीसी के जिन दिग्गजों ने 2017 में साथ दिया था अब विरोध में मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़े दावे किए, सरकार बनावाएं दलित और पिछड़े और मलाई खामे
वो लोग अगले 5% लोग नारा दे रहे हैं 80 और 20 का। और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। योगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। जातिगत समीकरण और दाव की बात अलग, लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश शायद ही कभी छोड़ती है। यूपी में योगी भी यही कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश बीजेपी के प्लान को पंक्चर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास की इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है, और यही सबका साथ सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। इस बार तो ऐसा बीजेपी वाले हेड विकेट हुए कि हमारे तमाम नेताओं की स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए, वो स्ट्रेटजी नहीं समझ पाए। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। गैर यादव ओबीसी को अपने पाले में करने की होड़ है तो दलितों को लेकर भी बड़े दांव हैं। सूबे के करीब 22% दलित वोट बैंक पर बीएसपी का करीब करीब एकाधिकार हुआ करता था, लेकिन हालात बदल रहे हैं। चुनाव के वक्त न मायावती नजर आ रही हैं और न ही उनकी पार्टी का तामझाम, लिहाजा दूसरी पार्टियों को दलित वोट बैंक में संभावनाएं नजर आ रही हैं। शायद यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से दलितों के नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद के साथ अखिलेश यादव लगातार बैठकें कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में भीम आर्मी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन फाइनल हो जाएगा। अखिलेश जी से मुलाकात की बात कही जा रही है आपकी, कुछ सीटें आपको मिले? कुछ होगा तो बताओ। कितनी सीटें मिल रही हैं आपको? क्या कर, कुछ होगा तो बताओ। लखनऊ मुलाकात तो अखिलेश जी का मिलने का मकसद है ना? बताऊंगा। चंद्रशेखर आजाद अगर अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है और दलितों की पॉलिटिक्स करने वाली बीएसपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। आज तक प्योर। उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, हर बार घूमती रही है, और खास तौर पर जो 21% दलित वोटर है वो काफी हद तक ये तय करते हैं कि सत्ता का समीकरण कौन होगा और कौन सत्ता पर काबिज होगा। आइए आपको बताते हैं कैसे, क्योंकि इससे पहले जब 2007 की आप बात करें, जब मायावती की सरकार बनी थी, तब जितने भी आरक्षित सीट थे, रिजर्व सीट, उन पर ज्यादातर एक तरह से बाहुबल आप कहिए बहुजन समाजवादी पार्टी का दिखा था। फिर 2012 पर आइए, जब अखिलेश यादव की सरकार बनी तब रिजर्व सीट्स पर काफी हद तक समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, और फिर 2017 के चुनाव जब आप देखते हैं रिजर्व सीट्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही। यानी जो दलित वोटर है 21% उसने लगभग हर बार ये तय कर दिया कि कौन सत्ता में बैठेगा। ২০২২ की चुनावी बिसात पर एक के बाद एक चाल चली जा रही शह और बात के खेल में जाति और धर्म की भूमिका बड़ी है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार दलित किसे राज दिलाएगा। वैसे आंकड़ों से समझे तो उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में करीब 300 सीटें ऐसी जहां पर दलित समाज निर्णायक रोल में है। 20 जिलों में तो 25% से ज्यादा अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी है। यही वजह है कि सभी पार्टियों की नजर दलित समाज पर है। गरीबों के हक को हड़पना उनके लिए अपना जन्मसिद्ध अधिकार है,
और इसी को अगर वे सामाजिक न्याय कहते हैं तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय नहीं, ये सामाजिक शोषण है। हमें फर्क महसूस करना पड़ेगा सामाजिक न्याय और सामाजिक शोषण में। जब वे पेशेवर माफिया और अपराधी प्रदेश के अंदर गरीबों के मकानों पर कब्जा करते थे, दलितों की बस्तियों पर कब्जा करते थे, बुलडोजर चलाते थे, उनकी जमीनों पर जबरदस्ती उन्हें हड़पने का कार्य करते थे, तब इन लोगों की कहीं से मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। आज अपराध मुक्त प्रदेश बना करके सबको सुरक्षा और सबको विकास के इस राह के साथ जोड़ने का कार्य किया है, और यही सबका साथ सबके विकास का मंत्र ही सामाजिक न्याय का सही मंत्र है। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। दलितों को आकर्षित करने की कोशिश हर तरफ से जारी है। जिन नेताओं ने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा उनकी जुबान पर भी यही नाम है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश में दलित समाज की सियासी ताकत के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों का प्रतिशत करीब 21.1 है, जो जाटव और गैर जाटव दलित में बटा हुआ है। अगर जाटव दलित की बात करें तो वो 11.7% है और BSP का कोर वोटर माना जाता है। उसके बाद 3.3% पासी है। अगर बात कोरी वाल्मीकि की करें तो वो 3.15% है। वहीं धानुक, गोंड और खटी 1.05% है। अन्य दलित जातियां भी 1.57% है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 सीटों में 84 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के हाथों में सत्ता की चाबी है। अगर पार्टियों की जीत और आंकड़ों को देखें तो तस्वीर साफ हो जाएगी। साल 2002 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर जीती, BSP 24 सीटों पर, 18 सीटों पर BJP, वहीं 2007 के चुनाव में 62 सीट पर BSP जीती, 13 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 7 सीटों पर BJP। लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी 58 सीटों पर जीती, BSP 15 सीटों पर जीती, BJP सिर्फ 3 सीटों पर। अगर बात 2017 की करें तो BJP 70 सीटों पर जीती, समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर और BSP सिर्फ 2 सीटों पर। यानी दलित ने जिस पार्टी को पसंद किया वही पार्टी सत्ता के सिंहासन पर बैठी। पूरब से पश्चिम तक दलित समाज किस पार्टी का खेल बना सकता है और बिगाड़ सकता है, ये गणित समझिए। सोनभद्र जिला 41.92%, कौशाम्बी 36.1%, सीतापुर 31.87%, हरदोई 31.36%, उन्नाव 30.64%, रायबरेली 29.83%, औरैया 29.69%, झांसी 28.07%, जालौन 27.04%, बहराइच 26.89%, चित्रकूट 26.34%, महोबा 25.78%, मिर्जापुर 25.76%, आजमगढ़ 25.73%, लखीमपुर खीरी 25.58%, हाथरस 25.2%, फतेहपुर 25.04%, ललितपुर 25.01%, कानपुर देहात 25.08%, अंबेडकर नगर 25.14%। इसी वोट बैंक की बदौलत मायावती 2007 में 206 सीटों और 30.43% वोट के साथ पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2012 में उनकी चमक काम नहीं आ सकी और लगातार वोट प्रतिशत घटने लगा। वजह बनी BJP की सेंधमारी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि BJP ने दलित वोट बैंक पर तगड़ी सेंधमारी की है। ये एक दिन का काम नहीं है, कई सालों से इस वोट के लिए RSS की ओर से चलाए जा रहे सामाजिक समरसता के जरिए उन्हें कुछ सफलता मिली है।
अगर हम गौर से देखें तो 2014 के बाद से गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। पहले दिन से हमने जो जो योजना लाए हैं वो सारी योजनाएं इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, माताएं, बहनें, युवा, उन्हीं के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमारी सभी योजनाएं केंद्रित। आज तक ब्यूरो। साल 2014 में दलित वोट बैंक का एक अलग गणित दिखा। जरा वहीं से शुरुआत करते हैं आपको बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2014 में जो जातीय समीकरण था दलित वोट बैंक का उसमें एक भारी फेर बदल किया। जाटव वोट तो गया पारंपरिक जो क्षेत्रीय दल है उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ, लेकिन जो गैर जाटव वोट है दलितों का वो काफी हद तक उसमें सेंध मारने में बीजेपी कामयाब रही। लेकिन फिर 2019 पर आइए, जब मायावती और अखिलेश यादव एक साथ चुनावी मैदान में उतरे थे तब ऐसा नहीं हो पाया और जो जाटव वोट है, तमाम दलित वोट है, वो काफी हद तक पूरी तरह एक मुश्त मायावती के साथ खड़ा दिखाई दिया। अब 2022 के चुनाव में एक बार फिर नए सिरे से बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि उनकी तरफ जो गैर जाटव वोट पहले आया था उसको साधा जाए और शायद इसी से नैया पार हो जाए। यहां आपको यह समझना है कि यूपी में दलित वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए दूसरी पार्टियों के बागियों का सहारा लिया, फॉर्मूला काम आया और 2014 और 2019 में सुरक्षित सीटों पर बीजेपी की धमक दिखी। उत्तर प्रदेश में 80 संसदीय क्षेत्रों में से 17 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। 2019 लोकसभा चुनाव में कुल आरक्षित सीटों पर 15 पर बीजेपी जीती, जबकि नगीना और लालगंज दो सीटों पर बीएसपी को कामयाबी मिली। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 17 सुरक्षित सीटों पर जीत हासिल की थी। बीते कुछ सालों में बीएसपी से खिसकते दलित वोट बैंक को साधने में बीजेपी ही सबसे आगे रही है। इसकी बड़ी वजह सत्ता में भागीदारी और दावेदार बढ़ाई, खास तौर पर मंत्रिमंडल में फेरबदल कर प्रधानमंत्री ने दलित समाज को बड़ा संदेश दिया था। संदेश यही कि मौजूदा सरकार दलितों और पिछड़ों की सरकार है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मोदी सरकार में कुल 78 में से अब 27 ओबीसी और 12 दलित मंत्री हैं और स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों को दिया गया आज तक का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। पिछले साल हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के दलित नेता रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचाकर अपना विजन साफ कर दिया। वहीं बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ाई। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री, एसपी बघेल केंद्रीय मंत्री, भानु प्रताप वर्मा केंद्रीय मंत्री, विनोद सोनकर सांसद और संगठन में, बेबी रानी मौर्य बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ब्रजलाल सांसद और यूपीएससी एसटी आयोग के चेयरमैन, असीम अरुण आईपीएस की नौकरी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में तमाम तोड़फोड़ में एक बड़ी बात यह है कि अब तक योगी सरकार में दलित मंत्री और दलित विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है। वैसे तमाम राजनीतिक पार्टियों में दलितों को रिझाने के लिए खींचतान जारी है। हर पार्टी नए सिरे से दलितों में बैठ बनाने के लिए हाथ पैर मार रही है, लेकिन दलित किसके सिर ताज सजाएगा ये चुनावी नतीजों के बाद साफ होगा। आज तक ब्यूरो। आपने बीजेपी के वोट गणित को तो देख लिया है, लेकिन इसी वोट गणित को समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भारी तरीके से डेंट मार रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ आने वाले कई पिछड़े नेता सीधे सीधे साइकिल का दामन थाम रहे और साइकिल पर सवार हो रहे हैं अखिलेश यादव के साथ। ये कितनी बड़ी मुश्किल का सबब बन सकता है बीजेपी के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। गैर यादव ओवैसी नेताओं से सजी है अखिलेश यादव की नई टीम। अखिलेश की नई टीम में अहम खिलाड़ी के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी की एंट्री हुई है। दोनों सियासत के अनुभवी खिलाड़ी हैं और अपनी जाति के वोटरों के बीच अच्छी पैठ रखते हैं। रिपोर्ट कार्ड यही कहता है कि 2017 में बीजेपी की टीम का हिस्सा थे तो प्रचंड जीत मिली थी। अब अखिलेश की टीम का हिस्सा है तो अखिलेश को प्रचंड जीत की उम्मीद है।
मैच चुनावी है, लिहाजा अखिलेश ने अपनी पहली टीम की नुमाइश की और दावा यही किया कि विरोधी टीम के कैप्टन यानी योगी के हाथों से विनिंग कैच छूट चुका है। लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर, हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। चुनावी मैच में अखिलेश की कमेंट्री यही नहीं रुकी, कहा मैच का परिणाम आने से पहले ही समाजवादी पार्टी की तगड़ी टीम देखकर ही योगी खुद ब खुद पवेलियन लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। क्या यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे? हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। अखिलेश की हुंकार के बाद उनकी टीम के नए खिलाड़ियों ने चुनावी मैदान में ललकार भरी। दरअसल आज से चुनावी मैदान पर बैटिंग शुरू हो गई है। आज एसपी में बीजेपी के 8 बागी विधायक शामिल हुए, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी योगी सरकार में मंत्री हैं। वहीं बीजेपी का साथ छोड़ने वाले वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान आज अखिलेश के साथ मंच पर नजर नहीं आए। दावा किया जा रहा है कि वो 16 जनवरी को पार्टी में शामिल होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 14 जनवरी यानी आज बड़ा धमाका करने का दावा किया था, लेकिन अभी वो धमाका बाकी है। हालांकि उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा ने अखिलेश की टीम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। संघमित्रा भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे भी काम करने वाली हैं। चुनावी फाइनल का नतीजा 10 मार्च को आएंगे, लेकिन प्रैक्टिस मैच के बाद टीम अखिलेश और टीम योगी अपने अपने दावे करती हुई दिख रही है। अगर हमने मलाई खाई है, जांच करवावे, हमें जेल भेजे, रही बात हमने बार बार अलग अलग प्लेटफार्म पर, सरकार के प्लेटफार्म पर और संगठन के प्लेटफार्म पर हम सभी लोगों ने इसका ऐतराज किया, इसका विरोध किया कि दलित पिछड़ों का की उपेक्षा हो रही है, आरक्षण पर कुठाराघात हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को पूरे तरीके से तहस नहस करने का एक प्लान है, इससे रोकिएगा, नहीं तो ये पिछड़ा और दलित वर्ग के लोग पार्टी छोड़ने को मजबूर होंगे। हमने बार बार कहा, नहीं किसी ने सुनी। आज सही प्लेटफार्म है, सही समय है, सरकार बदलने का समय है। उत्तर प्रदेश से हम आगाज कर रहे हैं सरकार बदलने का, 24 में हम केंद्र में बदलेंगे। ये दलित और पिछड़ों की आवाज है। हम ओबीसी और दलित के कारण यहाँ पे उनकी उपेक्षाएं हुई हैं इन लोग समाज की, इसलिए हम उसको छोड़ के बीजेपी को जा रहे हैं और इस गठबंधन जा रहे हैं। तेरे नेता अब मेरे नेता, जो सियासी महाभारत उत्तर प्रदेश में छिड़ी हुई है वो तो अभी तक आपने देखी, लेकिन अब आपको दिखाने वाले हैं कि यही बीजेपी के नेता, पिछड़े नेता खासतौर पर, जो आज बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने के लिए एक बड़े मंच पर मौजूद थे, ऐसा लगा जैसे कोरोना की तमाम धज्जियां वहां पर उड़ रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले पाबंदियां लगाई हैं ऐसी रैलियों पर, लेकिन बावजूद इसके एक महारैली के अवतार में आज इन लोगों को पार्टी में शामिल किया गया। कहने को ये वर्चुअल रैली था, बीजेपी इसे वायरस रैली कह रही है। जी हां, FIR तक दर्ज हो गई है। 2500 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कोरोना के नियम तोड़ने के लिए आज FIR दर्ज हो गई। आपके नेतृत्व के साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबोध करने का काम करूंगा। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। ये किस प्रकार की वर्चुअल रैली है जिसमें इस प्रकार से भीड़ को बुलवा कर और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। इसे कहते हैं जोश में होश खो देना। समाजवादी खेमे में बीजेपी के कुछ नेता टूट कर आए तो भीड़ का ज्वालामुखी फूट पड़ा। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि चुनाव आयोग के फरमान से लेकर कोरोना के नियमों की सारी धज्जियां उड़ गई। कोरोना की तीसरी लहर
यूपी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार से दुनिया के वैज्ञानिक हैरान हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस बार कोरोना कंट्रोल कैसे होगा। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में भीड़ के इस विस्फोट के बीच अखिलेश यादव बोल रहे हैं, बीजेपी के विकेट गिर रहे हैं, बाबा से कैच छूट रहे हैं। लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। नेताजी, आप विपक्ष पर वार कीजिए, जितना हो सके उतना करारा प्रहार कीजिए, लेकिन इसका भी ख्याल कीजिए, देश में कोरोना चल रहा है। हम आपको बता दें कि योगी कैबिनेट के बाकी मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके समर्थक विधायकों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी की ओर से वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। वर्चुअल रैली के नाम पर जुटी हजारों की भीड़ के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि मैं जिसका साथ छोड़ता हूं उसका आता पता नहीं रहता। आपके नेतृत्व के साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को नष्टाबोध करने का काम करूंगा और साथ ही साथ मैं यह भी चुनौती देता हूं जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। लेकिन इस भीड़ को देखकर तो चुनाव आयोग भी हैरान रह जाएगा। अगर ये वर्चुअल रैली है तो फिर वर्चुअल रैली नाम का शब्द भी सरेंडर करना पड़ेगा और चुनाव आयोग को वर्चुअल रैली पर भी रोक लगानी पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर ये भीड़ उस वक्त जुटी है जब देश में कोरोना के एक दिन में 2,64,202 नए केस आए हैं। 13 जनवरी को यूपी में कोरोना के 14,765 नए केस आए थे। 13 जनवरी को अकेले लखनऊ में 2,113 केस आए थे। भीड़ को देखकर अखिलेश भले ही गदगद हो रहे हैं और 403 में से 400 सीट जीतने का दावा भी कर रहे हैं। और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है बदलाव के लिए, बैठी है जनता बदलाव के लिए बैठी है, जनता परिवर्तन चाहती है। समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर जुटी इस भीड़ ने चुनाव आयोग की तमाम गाइडलाइंस को तार तार कर दिया है। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ना कोई रैली करेगी ना कोई रोड शो, यहाँ तक कि डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी 5 लोग से ज्यादा नहीं जा सकते। रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक रहेगी। राजनीतिक पार्टियां सिर्फ वर्चुअल रैली या डिजिटल रैली कर सकती। चुनाव आयोग ने ये पाबंदियां 15 जनवरी तक लगाई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में अनावश्यक रूप से 2 से 2,500 लोग जमा हैं, इकट्ठा हैं और चुनाव आचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। 144 दिन प्रचार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उस समय हमारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे, उन्होंने बाकायदा वहां वीडियोग्राफी कराई, उनके लोगों को वहां से जाने के लिए निर्देशित किया, फिर वो लोग सब चले गए, दिल्ली चले गए। उसके बाद उस संबंध में जिन्होंने कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया उस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है, उसमें विवेचना करके कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग की पाबंदियों के बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के बागियों का ऐसा भव्य स्वागत किया कि कोरोना भी कहे कि ऐसी दावत उसे भी कबूल है। लेकिन बीजेपी ने तो इसे मुद्दा बनाकर चुनाव आयोग के सामने रख दिया है। ये किस प्रकार की वर्चुअल रैली है जिसमें इस प्रकार से भीड़ को बुलवाकर और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म को तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। और ये वही व्यक्ति है जिन्होंने बार बार कोविड की लड़ाई में आड़ंगा लगाने के लिए, रोड़ा अटकाने के लिए कभी बीजेपी की वैक्सीन कोविड वैक्सीन को कहा। आज उस उत्तर प्रदेश की कोविड की लड़ाई को कमजोर करने के लिए भी एक प्रकार से इस रैली को किया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को सुनिश्चित करनी चाहिए। समाजवादी मुख्यालय पर उमड़ी इस भीड़ में स्वामी प्रसाद का जोश भी कुछ ज्यादा ही हाई दिखा। घर से लेकर समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक नेताजी पूरे लाल लश्कर के साथ है और समाजवादी बनते ही बीजेपी के अंत का इतिहास भी लिखना शुरू कर दिया।
जैसा कि आप जानते हैं आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के हेड ऑफिस पर जुटी इस भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो गया तो इस बार की मकर संक्रांति वर्चुअल रैली के नाम पर जुटी भीड़ में कोरोना का इतिहास भी लिखेगी। आज तक तो समाजवादी पार्टी के तथाकथित वर्चुअल रैली में किस तरह से कोरोना की धज्जियां उड़ी आपने देख लिया है, लेकिन कमोबेश देश के कई ऐसे जगहों पर जहां बड़े आयोजन हो रहे हैं यही तस्वीर है। और इसीलिए अब हम आपको दिखाएंगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज हो, चाहे वो राजस्थान में भरतपुर हो या पश्चिम बंगाल में गंगा सागर हो, मकर संक्रांति के अवसर पर आस्था के नाम पर जो लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ उससे कोरोना के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ी हैं। और 2.5 लाख केस, आप सोचिए देश में 2.5 लाख केस रोजाना अब आने लगे हैं, ऐसे में कितना बड़ा खतरा इन जमावड़ों से। प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़, कोरोना बाद में पहले संगम में आस्था की डुबकी, जिसका डर था वही हो रहा है। ये यूपी के प्रयागराज में संगम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आज मकर संक्रांति का स्नान, श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब कोरोना अपनी फुल स्पीड में चल रहा है। हालांकि संगम तट पर पुलिस को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने के लिए तैनात किया गया है, लेकिन जब भीड़ का इतना बड़ा संगम हो तो कैसी कोरोना गाइडलाइंस, लोगों के चेहरों पर मास्क तक नहीं है। मकर संक्रांति को तिल का दान देते हैं, खिचड़ी का दान देते हैं, वस्त्र का दान देते हैं, सबको आयु दान दे और निरोग रखे। मास्क सब भी लगाए थे, भी निकाल लिए हैं। डर नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, क्या डर रख रहा है, कोरोना इतना डर नहीं भी कहाँ आया है यहाँ पर यूपी में, इतना कोई परेशानी नहीं है विशेष। अच्छा, तो दुनिया में जो इतना फैल रहा है मामला? अरे दुनिया मामला फैल ही रहा है, दिक्कत है सब है। आपको डर नहीं है? नहीं, डर तो है ही है, लेकिन इतनी ज्यादा डर नहीं है। मैं लगभग मास्क लगा के उचित दूरी बना के कोविड का पालन हो रहा है, जिससे हम भी सुरक्षित रहें, लोग भी सुरक्षित रहें, जिससे ये दूरियां जब बनी रहेंगी तो ओमिक्रॉन का जो नया वेरियंट आया है इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। इस बार मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी दो दिन मनाई जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन जिस तरह से कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है, एक साथ इतने लोगों का झुकना खतरे से खाली नहीं है। जबकि संगम पर तैनात कुछ पुलिस वाले पहले ही संक्रमित हो चुके हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु आके माघ मेला क्षेत्र में बने विभिन्न 24 घाटों पर स्नान कर रहे हैं। इनका सुगम आवागमन हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो श्रद्धालु आए हैं वो आराम से स्नान घाट तक पहुंच जाएं। कोविड को दृष्टिगत रखते हुए जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, इसके माध्यम से हम श्रद्धालुओं से लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो मास्क अवश्य धारण करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की धज्जियां, मकर संक्रांति पर मंदिरों में जुटी भयंकर भीड़, और यह राजस्थान के भरतपुर में कोरोना नियमों की उड़ती धज्जियों की तस्वीरें। मकर संक्रांति पर मंदिरों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नाम की कोई चीज ही नहीं दिखाई दी। ये देखिए कैसे मंदिरों में दान देने वाले और दान लेने वाले भी बिना मास्क के दिख रहे हैं। हम आपको बता दें कि भरतपुर में रोजाना कोरोना के 500 के करीब केस आ रहे हैं। के लिए इतनी गाइडलाइंस दी जाती है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है, तो भैरी जी के मंदिर पर क्यों नहीं की जा रही है? क्यों यूँ लूटपाट हो रही है? क्यों लोगों को परेशान किया जा रहा है? कितने लोग घायल हो जाते हैं इनकी चीख चपट के? इसलिए यहाँ पे भी प्रशासन को व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे शांति से दर्शन हो। ना तो यहाँ प्रशासन का ध्यान है, ना ही पुलिस का इंतजाम। तीसरी लहर में फुल स्पीड से फैलते कोरोना में ये तस्वीर वाकई भयावह है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर उमड़ी भीड़, गंगा सागर मेले में कोरोना के विस्फोट का खतरा,
देश में कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बीच पश्चिम बंगाल की इन तस्वीरों को भी देखिए, कैसे मकर संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में भीड़ जुटी है। बंगाल के सागर द्वीप में होने वाले गंगा सागर मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, वो भी ऐसे वक्त में जब बंगाल में कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुवार को बंगाल में 24 घंटे के दौरान 23,467 नए कोविड 19 केस दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 32.13% हो गया। फिर भी लोगों में ना कोई खौफ है ना जान की परवाह। ममता बनर्जी ने गंगा सागर जाने वाले तीर्थ यात्रियों से अपील की थी कि वो कोरोना नियमों का पालन करें, लेकिन कैसे कोरोना नियम, सब कुछ यहाँ ताक पर। आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का रेला गंगा और बंगाल की खाड़ी के संगम पर आस्था की डुबकी लगा रहा है। आपने यूपी के प्रयागराज में भीड़ देखी, आपने राजस्थान के भरतपुर में भीड़ देखी, मकर संक्रांति पर पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में आस्था का कुंभ देखा, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भी मकर संक्रांति मनाई गई कोरोना के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए। बेगूसराय में बढ़ते कोरोना के चलते गंगा घाट पर स्नान करने के लिए बिल्कुल भी भीड़ जुटने नहीं दी गई। और तो और, उत्तराखंड के ऋषिकेश में भी गंगा घाटों पर कोविड के चलते श्रद्धालुओं को आस्था की डुबकी लगाने से रोका गया। आज तक के और अब बात देश में फैलते कोरोना के तीसरी लहर की करते हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भले ही मामूली गिरावट, लगभग 24,000 से ऊपर इस बार केस आए हैं 24 घंटे में, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। जी हां, पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 33 लोगों की मौत हो गई है। देश भर में यह आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके सावधानी नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए आइए आपको दिखाते हैं एम्स के बाहर कैसे खुलेआम उल्लंघन हो रहा है कोरोना के नियमों का। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के सबवे के अंदर। आपको एक तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जहां दिल्ली में हर जगह कोरोना की पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि कोरोना के संक्रमण को रोका जाए, तो वहीं देश के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है उसके सबवे के बाहर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग मजबूरी में एक साथ सोने के लिए मजबूर हैं। ये तमाम लोग देश के अलग अलग राज्यों से इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचे हुए हैं, जहां पर इनको मजबूरन कड़ाके की ठंड में कोरोना के संक्रमण के बीच जो है वो फिलहाल सोना पड़ रहा है। कोरोना दिल्ली में तेजी के साथ फैला हुआ है, यहां पे आसपास सब एक साथ सो रहे हैं। कोरोना संक्रमण हो गया, जान का जोखिम नहीं हो लगता सर? इलाज कराने के लिए आए सर, इलाज भी तो जरूरी है सर, इलाज इनको आंखों में जरूरी है सर, ट्रीटमेंट हो रहा है सर, इलाज कराना जरूरी है सर, हम लोग गरीब है सर, आना जाना बार बार कैसे करेगा। सबवे में आप रह रहे हैं, खुले में आप सो रहे हैं, डर नहीं लगता कि कोरोना का संक्रमण अगर फैल गया तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है? डर तो लग रहा है सर, मजबूरी है तो क्या करे, कोई दूसरा उपाय नहीं है मेरे पास, यहाँ किधर जाए, डॉक्टर साहब के दिखाए इसके बाद बोले एक महीने के बाद। कोई आपका टेस्टिंग वेस्टिंग होता है यहाँ पर जब अस्पताल के अंदर जाते हैं या दिल्ली आए थे, कोई टेस्टिंग वेस्टिंग हुआ आपका? नहीं, टेस्टिंग इसका बच्चे का आरटीपीसीआर जांच हो गया। ये पूरे एम्स के अंडरपास की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस जो का जिसका पालन होना चाहिए, जहाँ पर सख्तियाँ होनी चाहिए, सरकार को इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, वो शायद व्यवस्था होती हुई नजर नहीं आ रही। जाहिर सी बात है, जब ये लोग अपने इलाज कराने के बाद यहाँ से अपने गांव अपने शहरों को जाएंगे तो हो सकता है कि ये संक्रमण लेकर के दूसरे राज्यों में भी पहुंचे। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।